स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। औरैया में भाजपा के प्रदेश युवा मोर्चा और एमएलसी प्रत्याशी प्रशांत दत्त सहित कई बड़े नेता बैठक में मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने कहा कि एमएलसी का चुनाव हम लोग बड़े अंतर से जीतेंगे। ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग की मेहनत खराब नहीं जाने देंगे, मैं निरंतर विकास के कार्यों के लिए अग्रसर रहूंगा, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसका निर्वहन करूंगा। अलीगढ़ में दादो क्षेत्र के गांव नगला लाले में टेम्पो चालक से विवाद के बाद अपनी जान बचाकर भाग रहे युवक ने खेत से गुजर रही किशोरी को पकड़ लिया और अपने बचाव के लिए किशोरी के गर्दन पर चाकू रख दिया। उसे आगे कर करीब 10 मिनट तक ग्रामीणों को धमकाता रहा। ग्रामीणों ने युवक को घेर लिया और किशोरी को उसके चंगुल से छुड़ाया। इसका वीडियो वायरल होने पर पुलिस में खलबली मच गई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। खबर औरैया से है, जहां महिला थाना दिवस में पति पत्नी के बीच कलह के विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि नई किराए प्रोजेक्ट के तहत महिला थाने में आने वालों को काउंसलिंग के माध्यम से समझाकर मामले को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं काउंसलिंग टीम में महिला थाना अध्यक्ष और महिला सदस्यों को टीम में शामिल किया गया है। लोग परिवारों को जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि अदालत तक ना पहुँचे, जो कि अदालत पहुँच जाते थे तो वहाँ समस्या होती थी, तो यहाँ परिवार जोड़ दिए जाते हैं। ऐसा क्या रहता है किस तरीके के जो है परिवार? घरेलू समस्याएं आती हैं, जरा छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होती हैं, बस वही जो पुलिस तक पहुंच जाते हैं लोग, तो वहाँ ना भेज के एक महिलाओं के पास भेजा जाता है कि आप अपनी महिला समस्याएं बता सकती हैं, ताकि ना कि कोई जेंट्स थाने में अपनी समस्या नहीं जो बता सकती थी वो यहाँ बताती आती है। आमतौर पर यहाँ जो समस्याएँ आती हैं पारिवारिक विवाद की ही समस्याएँ आती हैं, और कुछ छोटे छोटे मसले ऐसे होते हैं, ऐसे मनमुटाव हो जाते हैं जिनके कारण परिवार विघटित हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि इस तरह से विघटित होने वाले परिवारों को बचाया जाए, और जो इस तरह से गलतफहमियां हो जाती हैं, परिवार टूट जाते हैं, उन टूटे हुए परिवारों को जोड़ा जाए। इसी उद्देश्य को लेकर सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रोजेक्ट नईकरण को औरैया जनपद में भी क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रत्येक रविवार को यहाँ पर हमारे सभी काउंसलर बंधु और ये हमारी महिला थाना की प्रभारी, ये इनके कुशल नेतृत्व में यहाँ बैठक आयोजित की जाती है। नई किरण के तहत हमारे यहाँ फाइलें लगती हैं, और उन फाइलों में प्रयास यही रहता है कि परिवारों में बंधन ना हो, परिवारों को एक कर दिया जाए। इसी प्रयास के साथ हमारे सारे काउंसलर भी इस दिन मौजूद रहते हैं हमारे साथ में, और प्रयास ज़्यादातर सफल रहता है, इससे परिवारों में बंधन नहीं होते हैं। और अगर परिवार उस टाइम पे बन नहीं पाते हैं तो उनको नेक्स्ट डेट दी जाती है, उनका प्रयास जारी रहता है, और जहाँ तक अगली जो भी प्रयास रहते हैं उसमें सफलता ही मिलती है और परिवार बन जाता है। खबर बदायूं से है, जहां पर अज्ञात लुटेरों ने मोटरसाइकिल से जा रहे लोगों को रोककर उनको तमंचा दिखाया, मारपीट करते हुए उनसे पैसा और मोबाइल लूटा, जिसके संबंध में स्थानीय थाना अलापुर पर वादी श्री विकास की तहरीर के आधार पर अज्ञात लुटेरों के खिलाफ धारा 394 पंजीकृत किया गया। इस दौरान सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही से पुलिस को सफलता मिली। वीरेंद्र और शीलेंद्र यादव दोनों अलापुर के रहने वाले हैं, और इसमें तीन अभियुक्त इसमें फरार हो गए थे, जीशान, दानिश और छोटे। इनसे जब पूछताछ हुई तो जनपद बदायूं के दो थानों में, अलापुर में और कादर चौक में, दो विभिन्न घटनाओं को, लूट की घटना हुई थी दो दिनांकों को, और इनसे जब पूछताछ हुई तो तथ्य प्रकाश में आया कि जो 1 तारीख को साधु यादव नाम का व्यक्ति जो गिरफ्तार होकर के जेल गया है, जिसके द्वारा इन दोनों लूट की घटनाओं में अपना और अपने साथियों के नाम बताए गए थे, ये जो पकड़े गए हैं अन्य दो व्यक्ति, ये उसी गैंग के सदस्य थे। तो ये दोनों ही घटनाएँ थाना अलापुर और कादर चौक की हमारी वर्कआउट हो गई हैं, और इस संबंध में जो फरार अभियुक्त हैं उनकी तलाश के लिए पुलिस लगी हुई है, और शीघ्र इनकी गिरफ्तारी भी होगी, और इसके आगे फिर हम गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी इनके अंतर्गत कार्रवाई कराई जाएगी।
हिंदू तिथियों के अनुसार नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की शुरुआत 2 अप्रैल से हुई। ऐसा माना जाता है कि प्रदत्त नववर्ष पूर्व वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने पद संचालन किया। पद यात्रा नगर की 3 शाखाओं शहर के प्रमुख मार्ग से होकर निकाली गई, तो वहीं हर मुख्य चौराहों पर पद यात्रा का पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। आज एक बार फिर एटा जनपद मुख्यालय पर योगी का बुलडोजर चला। बुलडोजर ने एक आलीशान भवन को ढा दिया। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के कड़े तेवर उस वक्त देखने को मिले जब सिविल लाइंस रोड पर जिला जज के आवास से सटे एक मकान को बुलडोजर की मदद से ढाया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद एटा के सिविल लाइन कॉलोनी का है। कितने लोगों के साथ एक अवैध निर्माण है यहाँ पर, तो अवैध निर्माण को पहले से नोटिस भी दिया गया था, इनको संज्ञान लाया गया था, परंतु 31 तारीख का टाइम दिया गया था तो हटाया नहीं गया। और इसके तहत विनिमय क्षेत्र के द्वारा आदेश किया गया ध्वस्तीकरण का, और उसके अंतर्गत कार्रवाई कराई जा रही है। अभी कितने लोग हैं जिनके साथ आज कार्रवाई की गई? आज एक ही चयनित किया गया, एक स्थान चयनित किया गया, उसकी कार्रवाई हो रही है। फिर आगे भी और भी कुछ जगह चिन्हित किए गए, वहाँ समय समय पर कार्रवाई होगी, उसके बारे में आपको बाद में अवगत कराया जाएगा। फरीदाबाद के चौक पर पुरुष आयोग की टीम के सदस्यों ने जेंडर न्यूट्रल लॉ की मांग करते हुए पुरुष विरोधी मानसिकता का पुतला फूंककर सरकार से महिला आयोग की तरह पुरुष आयोग टीम का गठन करने की मांग की। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं को मिलने वाले अधिकार का महिलाओं की ओर से गलत दुरुपयोग करने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि पुरुषों को न्याय दिलाने के लिए भी पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए। हम जेंडर न्यूट्रल लॉ के लिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो हमारा कानून है वो न्यूट्रल होना चाहिए, वो लड़कों के लिए भी बराबर होना चाहिए और लड़कियों के लिए भी बराबर होना चाहिए। जैसे महिलाएं अपने पति पे खर्चे का केस कर देती हैं, उनके लिए 125 है, वैसे ही अगर लेडी कैपेबल है तो वो अपने पति को भी खर्चा दे, अपने बच्चों को भी खर्चा दे, और जब जो भी मर्द है अगर वो किसी भी इल्ज़ाम से बरी होता है तो कोर्ट को एटलीस्ट उसे कंपनसेशन देना चाहिए। जैसे रेप विक्टिम को कंपनसेशन देती है गवर्नमेंट, तो अगर वो आदमी बरी होता है तो उसे कोई कंपनसेशन क्यों नहीं है? दोस्त, हमारी मांग है जेंडर न्यूट्रल लॉ की, कि पुरुषों के लिए आपके पास कोई कानून नहीं है। पुरुष चाहे वो पिता हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो दामाद हो, चाहे छोटा भाई हो, आपके पास कानून है ही नहीं। आप दामाद के मुकाबले बहू के हक देख लो कितने हैं, बेटी के मुकाबले बेटे के हक देख लो। बेटे को पिता जिस टाइम चाहे, जिस समय चाहे, 18 साल का होते ही प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकता है। गाजियाबाद में मीट की दुकानों के बंदी के आदेश को लेकर नगर निगम और खाद्य विभाग यूटर्न लेते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि खाद्य एवं फूड अधिकारी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिसको भी दुकानें खोलनी है वो नियमों का पालन करते हुए खोल सकते हैं। साथ ही ये ध्यान देना होगा कि मीट की दुकान धार्मिक स्थल के पास ना हो। पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये आदेश यूएलबी स्तर से जारी हुआ है, और इसकी जो पीछे की मंशा वो ये है कि नवरात्रे चूँकि स्टार्ट हो चुके हैं, 9 दिन के लिए जो खुले में जो मीट मांस बिकता है उसको लेके हम लोगों ने एक निर्देश जारी करी है कि वो 9 दिन के लिए इस प्रकार की एक्टिविटीज़ धार्मिक स्थलों के आसपास ना हो। मांस की दुकानों को लेकर जो ये बातें हैं कि ये मीट मांस की दुकानें नवरात्रि में बंद रहेंगी, इसमें ये बिल्कुल स्पष्ट करना है कि अवैध कोई भी मीट मांस की दुकान नहीं चलेगी, और ना ही जो मानक हैं उन मानकों का उल्लंघन करते हुए कोई दुकान अगर पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जो अन्य खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम और नियमावली में प्रावधान दिए गए मीट मांस की दुकानों के लिए वो सभी सख्ती से लागू कराए जाएंगे। साथ ही यदि कोई नियम के अनुसार मीट कारोबार करना चाहता है तो उसके लिए विभाग की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई ऐसे बड़े फैसले भी लिए जिस पर पहली कैबिनेट में चाहे वो राशन को लेकर हो या भू माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात हो, कहीं ना कहीं कई बड़े फैसले लिए हैं। आपको बता दें, 2 दिन पहले ही नवरात्रों का त्यौहार भी शुरू हुआ, उस पर भी योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया जिससे कि 9 दिन तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अंदर में मीट का कटान जो होता था उसको बैन कर दिया गया है 9 दिन के लिए।
बात करी जाए कि दुकानों की, तो दुकान आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर सभी दुकानें बंद नज़र आ रही हैं। ये गाज़ियाबाद की तस्वीरें हैं, आपके सामने देख सकते हैं। ये जितनी भी दुकानें हैं एक समय पर खुला करती थी, क्योंकि आज संडे का दिन भी है, संडे के दिन लोग मीट भी ले जाया करते थे। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही कई बड़े ऐसे चौंकाने वाले फैसले लिया करते हैं जिनको किसी को जानकारी भी नहीं होती है। इसलिए गाज़ियाबाद के अंदर में कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो कि इस समय पर जिनकी दुकानें हुआ करती थी, वो लोग इस समय अपना रोज़ा भी रखे हुए हैं, रोजे का रमज़ान का समय भी आ गया है। तो हम उसी विषय में बात करते हैं, एक महिला है हमारे साथ, इनसे पूछेंगे। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी ने एक फैसला लिया जिसमें कि रमज़ान भी आपके आ गए हैं साथ में, दूसरा कि नवरात्रों को लेकर 9 दिन के लिए बैन लगाया गया है कि कोई मीट नहीं बेच सकता, आप उनका स्वागत करते हैं इस फैसले का या विरोध करते हैं? हमारी तो स्वागत ही है, यूपी उनकी है तो हम क्या कर सकते हैं। आप भी तो यूपी में रहते हैं? यूपी में रहते हैं, पर हम वही रोज कमाते रोज खाते, एक पैसा जमा नहीं कर पाते हैं। इतना बड़ा यूपी है, कहीं दुकान भी नहीं है जो खोल लो। अच्छा, दिल्ली में खुली हुई है दुकानें, आप वहाँ जो रोजा आपका रखा जाता है, रोजे के समय में आप फलहार का भी तो सेवन कर सकते हैं। जरूरी है कि मीट खाएंगे? मीट के बिना आपका रोजा नहीं खुलेगा? हम तो मीट नहीं खाते, हम इतना नहीं खाते, आप लोगों का नहीं पता, हम तो फल ला के रख दिए हैं, हम फल फ्रूट से रोजा खोल लेंगे। बट ये है कि बहुत जन मीट मच्छर से भी रोजा खोलते हैं, काफ़ी जने, पर पहला रफ्तार उससे खुलते हैं जो होते हैं हमारे खजूर, उसके बाद हम कुछ भी खा सकते हैं, या वो गोश्त मच्छी हो या फल फ्रूट हो। देखिए, महिला का भी साफ तौर से कहना है कि जो रोजा भी खुलता है इनका, तो वो एक खजूर के तौर पे खुलता है, खजूर जो कि मीठा होता है, मीठा फल भी खा सकते हैं, फल खोल कर भी, उसके बाद हम कुछ मीट का सेवन कर सकते हैं। जहाँ तक की बात की जाए गाज़ियाबाद की, तो गाज़ियाबाद में इस समय हर एक वो दुकान बंद है जहाँ पर मीट का कटान हुआ करता था। गाज़ियाबाद से प्रवीण मिश्रा, प्राइम टीवी। खबर गाज़ियाबाद से है जहां बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। इस संबंध में आईपीएस एम मुनिराज को अस्थायी तौर पर एसएसपी की तैनाती दी गई है। आईजी जोन प्रवीण कुमार ने पुलिस कर्मियों के साथ एक बैठक करते हुए कहा कि जिले में क्राइम को खत्म करने के लिए पुलिस सड़क पर नजर आनी चाहिए। अभी वर्तमान में हालत देखे हमको शासन ने भेजा है, उसके अनुसार हम लोग के पास जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस है उसके अनुसार हम काम करेंगे। हमारा सीनियर ऑफिसर से आईजी और एडीजी महोदय के निर्देश में हम काम करेंगे, और जो भी क्राइम है उसको रोकने के लिए हम योजना बनाएंगे। हम पूरा टीम के साथ बैठ के जो वर्तमान में सीधी क्या है उसका एक बार स्टडी करेंगे, उसके साथ साथ जो अभी वाल में जो भी क्राइम हुआ उसको वर्कआउट करने के लिए योजना बनाएंगे, और साथ साथ हम लोग पुलिस की विजिबिलिटी खासतौर से जो रोड पर सड़कों पर दिखाने के लिए हम प्रयास करेंगे। लगातार चेकिंग चलती रहेगी, हमारा हर अधिकारी रोड पर रहेंगे और फुट पेट्रोलिंग करेंगे हम लोग, और साथ साथ जो क्रिमिनल्स है उनके लिए अलग टीम बनेगी, उनका गतिविधि का निगरानी रखने के लिए, और उसकी भी एक टीम चलेगी, और साथ साथ जो पुराना क्रिमिनल्स है जो बाहर निकला है उनको दोबारा जेल भेजने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। कानपुर के उद्योगपति नरेश सुमानी ने 2 करोड़ की रंगदारी मामले में सामने आई है। बताया जा रहा है कि आरोपित उद्योगपति को काफी समय से परेशान किया जा रहा था। उद्योगपति ने पहले भी आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोपी ने मांग पूरी न होने पर पूरे परिवार को मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। थाना स्वरूप नगर पर कल एक अभियोग धारा 386/506 IPC का पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में अब तक की जांच विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पूर्व में भी इन दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध थाना काकादेव एवं स्वरूप नगर में अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं। इस संबंध में गहन विवेचना एवं परीक्षण किया जाएगा तथा प्राप्त साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई है और विधिसम्मत कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। थाना स्वरूप नगर पर खबर कानपुर से है जहां बिदनू ब्लॉक खंड में शौचालय के नाम पर प्रधान और सचिव ने बड़ा घोटाला किया है। जिलाधिकारी ने कुछ महीने पहले जांच की थी और लिखा पढ़ी में ODF गांव होने के बावजूद भी शौचालय नहीं बने, आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, शासन या प्रशासन की?
खबर रामपुर से है, जहां पुलिस फोर्स ने अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार दो युवक पुलिस को देख भागने लगे और फायरिंग की। जवाबी मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हो गया, वहीं दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। आपको बताते चले कि आरोपी के पास से एक तमंचा, 315 बोर, दो जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन और 41,000 रुपए बरामद किए गए हैं। तभी एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति सवार होकर आते हुए उधर दिखाई दिए। इन्हें रुकने का इशारा किया लेकिन उन्होंने मोटरसाइकिल नहीं रोकी और कस्बे की तरफ को भागने लगे। उधर आगे जो है विनोद कुमार गौतम दूसरी टीम जो है चेकिंग कर रही थी। थाना अध्यक्ष सैपनी ने उन्हें बताया कि इस तरह से एक मोटरसाइकिल पर दो बदमाश भाग रहे हैं, इन्हें रोका जाए। तो उधर से विनोद कुमार गौतम अपनी मोटरसाइकिल से आए। जब इन्होंने बदमाशों ने देखा कि घिर गए हैं तो मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग किया जिससे बदमाश से घायल हो गया और वहीं गिर गया। दूसरा बदमाश मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। जो घायल बदमाश है उसने अपना नाम। खबर रायबरेली से है, जो गौशाला के अंदर गौवंश काटते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में कुछ गौवंश मृत पड़े दिखाई दे रहे हैं। इन्हें ट्रैक्टर से घसीट कर ले जाकर धारदार औजार से काटा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत करने पर सेक्रेटरी फोन नहीं उठाते हैं। वीडियो वायरल होने से गौशाला में व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है, जिसमें अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। यहाँ का मामला ये है कि यहाँ जो गौशाला बना इसकी बड़ी ही जीर्ण व्यवस्था है। यहाँ ना तो चारे की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था। पानी की तो जैसे तैसी व्यवस्था है लेकिन चारे की व्यवस्था अभाव में बहुत जानवर मरते हैं। एक वीडियो भी वायरल हुआ जो कि आज हमारे संज्ञान में आप ही लोगों के द्वारा मालूम हुआ है कि यहाँ गौकसी होती है। खालें जो खाल होती है ऊपर की वो बरामद हुई है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ गौकसी का कार्य भी बहुत पहले से हो रहा है, क्योंकि खालें बहुत पुरानी हैं और यहाँ जो जानवर मरते हैं और यहाँ जिंदा भी जानवर मार दिए जाते हैं, क्योंकि कुत्ता लोग आते हैं और ज़बरदस्ती उनको नोच नोच के खाते हो, बैठाने हो जाते हैं उनको नोच नोच के खाते हैं और उसी में मर जाते हैं बेचारे। बहुत ही दयनीय। इसकी सारी जिम्मेदारी मैंने उसको सेक्रेटरी साहब को कई बार फ़ोन किया था तो सेक्रेटरी साहब मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते। मैंने परसों अपनी लड़की के फ़ोन से उनके पास फ़ोन करवाया, तब जाके फ़ोन रिसीव किया है उन्होंने और लड़की ने उनको बहुत कुछ यहाँ के विषय में बातें बताई हैं। अगर ज़रूरत होगी तो मैं अपनी लड़की को भी बुला दूँगा और उस फ़ोन के विषय में बताएगी कि क्या क्या बातें हुई है सेक्रेटरी साहब से। अलीगढ़ में दो बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हुई, जिसके बाद मासूम बच्चा सहित तीन लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। तीन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। दो बाइकों पर छह लोग सवार थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह घटना अतरौली थाना इलाके के जमालगढ़ी गाँव की है। रामघाट रोड पर जमालगढ़ी के पास दो मोटरसाइकिलों में आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। तीन लोग घायल हैं जिनको बेहतर उपचार के लिए फर्स्ट एड कराकर मेडिकल कॉलेज रवाना कर दिया गया है। ये इसमें कुछ जवा के रहने वाले हैं और कुछ नरोड़ा के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।